जिंदगी में एक हुनर आजमाना चाहिए, जिंदगी में एक हुनर आजमाना चाहिए, जब जंग अपनों से हो तो हार जाना। आखिर रेहान वकार ने वरंगल डेरिस क्यों छोड़ी? देखो तेरे को अगर मेरे से जलन है तो मेरे को दे गाली, मतलब दे, आप भी देखो देता वो अगर वही पंडा के तेरे को दिया ऐसी रहती बात। जो भी रेहान भाई लिखे पूरे मिलियन में वीडियो आप लोग जाके चेक कर, अगर हेट करना है तो अंदर अंदर घर में बैठ के हेट कर लो, बाहर आके तो कर नहीं सकते, बाहर आए तो वो खुद जाता है। कंटिन्यूअसली ट्रोलिंग करते रहते भाईजान को, अगर साले ट्रोल नहीं करे तो कौन करे, ख्याल रखना पड़ता भाईजान। वॉइस कर रही थी कॉल पर, वो वॉइस के बारे में कुछ करना जो अभी थे अभी के तो खाली वॉइस का गौर करे, मैं कितने ही बच्चों के साथ रिला बनाए वो गौर नहीं करे भाई। पर्स तुम एक रियलिटी शो का प्ले ग्राउंड का आया था कैरिमिनाटी, उन लोग जो देखो अरुण भाई भी बोले थे बिग बॉस के, अरुण भैया कर लो रेहान भाई बोलते बोले थे। और रही बात बिग बॉस की तो इंशाल्लाह भाई एक साल में जाने की कोशिश है मेरी, कुछ दूसरे यूट्यूबर के साथ शहबाज भैया की बहुत इज्जत करो हो गया और हर किसी से मिलता रहता, लेकिन बोला मतलब अच्छा नहीं दिखता भाई कि भाई हमारे वीडियो में आप करो। और अपेंडिक्स का इतना भयंकर हुआ भाई मेरे को कि मेरा अंदर अपेंडिक्स फूट गया, अगर रात में इमीडिएट सर्जरी नहीं करे तो सुबह तक जहर पूरा फैल के जाता बोलते बोले। तो एक न्यूज़ वायरल हो गई तो स्मृति से बोला आप भाई दावा पे इतना इंतजार हो गया, मैं उम्रे पे गया था तो ये न्यूज़ों में आ गया था ये वीडियो कि मैं कुरान के साथ टिकट पकड़े हुआ, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। रही बात एलवी, आज भी वो काम करता है हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का, जिस दिन हैदराबाद को था उस दिन हम लोग आज इतना अच्छा रहता है हमारे मन में। मेरे फितरत में नहीं है तमाशा करना, मेरे फितरत में नहीं है तमाशा करना, बहुत कुछ जाता हूँ अगर हम